वेलकम फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था राइट पीरियडिक क्लासिफिकेशन जो चालू किए थे जो साइंटिस्ट थे, जो सेकंड चैप्टर है 10th स्टैंडर्ड का पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो फर्स्ट देखा था हमने उसका इंट्रोडक्शन, कितने एलिमेंट्स है राइट, अभी तक जितने फाइल हुए, जितने नेचुरली अवेलेबल है, जितने मैन्युफैक्चर्ड है, सब टोटल मिला के 118 एलिमेंट्स अभी फिलहाल टूडेज जो कंडीशन है 118 एलिमेंट्स हमें पता है राइट। तो जब स्टार्टिंग हुई ये जर्नी, जब जहाँ से स्टार्ट हुई केमिस्ट्री की राइट, कितने एलिमेंट्स नेचर में अवेलेबल है फाउंड हुए, वो शुरुआती में जो थे 18th सेंचुरी में सम 30 के नियर अबाउट थे, ओके 1800 सालों में जो एलिमेंट्स पता थे बाकी सबको, जो बड़े बड़े राजा महाराजे उस टाइम थे उनको, उन एलिमेंट्स का यूज करके वो कुछ ना कुछ बनाते थे, खास करके गोल्ड और आयरन सिल्वर ये जो मेन गिने चुने एलिमेंट्स तब थे ठीक है। तो उनके ऊपर ही जो नए साइंटिस्ट आते थे, कुछ डिस्कवरी करते थे, उसके ऊपर रिएक्शन कुछ ना कुछ करके देखते थे, ट्राई करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे। तो उस समय सबसे पहले आया था डोब्रिनियर राइट। ये डोब्रिनियर साइंटिस्ट 1817 में, यानी कि इन्होंने सबसे पहले ट्राई किया था क्लासिफाई करना राइट, किनको जो एलिमेंट्स अवेलेबल थे उनको इन्होंने ट्राई किया राइट, सब एलिमेंट्स वो क्लासिफाई अच्छे से नहीं कर पाया। उसके बाद आया न्यूलैंड्स, जिसने एक लॉ रखा, लॉ ऑफ ऑक्टेव, ओके यहाँ पे टोटल कितने 56 7/8 का टेबल बनाया, टेबल जहाँ पे टोटल बॉक्स कितने थे 56 बॉक्सेस थे, ओके लेकिन ये 56 बॉक्स में वो सिर्फ 60 या 70 तक की एलिमेंट्स रख सका, क्योंकि एक बॉक्स में उसको दो दो एलिमेंट्स रखना पड़ा राइट। लेकिन ये फेल हुआ, अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज दे आर नॉट बिलोंगिंग टू सेम बॉक्स राइट, मतलब जो ऑक्टेव्स का लॉज है म्यूजिक सिस्टम के साथ जुड़ा था, उसकी रिपीटेशन जो रिपीट हो रही थी फ्रीक्वेंसी, उसके हिसाब से उन्होंने एलिमेंट्स को रखा था, कहाँ पे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में। तो ये फेल हो गया था क्योंकि जो नए एलिमेंट्स आने वाले थे या डिस्कवर होने वाले थे या मैनमेड आर्टिफिशियली वो बनने वाले थे, उनके लिए न्यूलैंड्स ने कोई भी जगह छोड़ी नहीं थी। बाद में ये सब पढ़ा होने के बाद 1866 में न्यूलैंड्स ने अपना टेबल रख दिया। बाद में आया कौन, मेंडेलीव राइट, डिमिट्री मेंडेलीव, कौन से ईयर में 1869 में राइट। तो इन्होंने और एक उसके ऊपर सब एलिमेंट्स के ऊपर पढ़ाई की, अच्छे से एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी पहचान ली और अपना टेबल बनाया। तो ये जो मेंडेलीव का पीरियडिक टेबल है, इसे आपको अच्छे से समझना है, उसके बारे में देखना है, मेंडेलीव ने कैसे स्टार्ट किया उसकी जर्नी, उसने शुरुआत कहाँ से की और एंड कहाँ पे किया, तो इसी वीडियो का आपको एंड तक देखना होगा राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं मेंडेलीव पीरियडिक टेबल। मेंडेलीव पीरियडिक टेबल ये शुरुआत कहाँ से हुई, मेंडेलीव ये क्या है, ही इज द रशियन साइंटिस्ट। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, रशियन साइंटिस्ट, ये कौन है, रशियन साइंटिस्ट, और ये खुद प्रोफेसर था, कौन, ही इज अ प्रोफेसर, कौन सी यूनिवर्सिटी में, सेंट पीटर्सबर्ग राइट, सेंट पीटर्सबर्ग, पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी में, ओके यूनिवर्सिटी में ये कौन थे, प्रोफेसर थे। और इनका जो मेंडेलीव का दैट इज रशियन साइंटिस्ट, इसका नाम क्या है रशियन साइंटिस्ट का, डिमिट्री मेंडेलीव राइट, डिमिट्री मेंडेलीव, ओके डिमिट्री मेंडेलीव, ये पैदा हुए थे 1834 में राइट। तो इनकी जर्नी कहा तक थी 1907 में, ओके यहाँ पर ये टोटल इनका लाइफ स्पैन पीरियड है, ओके।
तो इन्होंने जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल बनाया वो 1869 टू 1872 इस पीरियड में, जब ऑक्टेव लॉस खत्म हुआ 1666 में ऑक्टेव लॉ आया, उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर पढ़ाई की, जो उनके ड्रॉबैक्स थे न्यूलैंड्स के उन्होंने उसको ओवरकम करने के लिए ट्राई किया। तो ये मेंडलीज ने एक्सपेरिमेंट कैसे किया, सब उस टाइम के जो नॉन एलिमेंट थे, ये फर्स्ट सेकंड जो नॉन एलिमेंट थे, ऑल नॉन एलिमेंट राइट, कितने थे टोटल 63 एलिमेंट्स थे, 63 एलिमेंट्स उस टाइम डिमिट्रीस यानी कि मेंडलीज के टाइम टोटल नॉन एलिमेंट 63 थे। 63 एलिमेंट्स के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया राइट, एक्सपेरिमेंट किया और उनका एक सेपरेट कार्ड बनाया हर एलिमेंट का, इच एलिमेंट का इन्होंने क्या बनाया, एक सेपरेट कार्ड बनाया राइट। उस सेपरेट कार्ड में मैक्सिमम क्या होता था, जो प्रॉपर्टीज थी दैट इज फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज कौन से, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, खास तौर पे कौन सा था जो मेन मेन प्रॉपर्टी थी राइट। मेन प्रॉपर्टी अगर बोला जाए तो कौन सा था, एटॉमिक मास ये थी मेन प्रॉपर्टी ओके, मेन प्रॉपर्टी। उसके बाद इन्होंने क्या क्या किया, उसका दूसरी जो दूसरी पॉइंट दूसरी प्रॉपर्टी थी बाकी अदर प्रॉपर्टीज 63 एलिमेंट्स का एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने फाइंड किया एटॉमिक मास कितना होता है हर एक एलिमेंट का। उसके बाद उसका मेल्टिंग पॉइंट दैट इज मेल्टिंग पॉइंट राइट, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट उसके बाद उसका उसकी डेंसिटी राइट, ये सब तीनों चीजें मेंडेलीज ने एक्सपेरिमेंट करके सर्च किया सब एलिमेंट्स का। और उसके बाद जो रिएक्शन थे केमिकल रिएक्शन, मतलब हाइड्राइड्स ऑफ ईच एलिमेंट, जितने 63 एलिमेंट्स है उनका हाइड्राइड राइट, हाइड्राइड हाइड्राइड एंड ऑक्साइड राइट, ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट, ये जो फॉर्म था इन फॉर्म का भी उन्होंने क्या किया, पढ़ाई किया और इनका क्या बनाया, सब सब जो प्रॉपर्टीज थे सब प्रॉपर्टीज का ईच एलिमेंट्स का हर एक एलिमेंट का उन्होंने सेपरेट कार्ड बनाया। जैसे 63 एलिमेंट्स के सेपरेट कार्ड बन गए राइट, अलग अलग सेपरेट कार्ड बन गए 63 एलिमेंट्स के, और सेपरेट कार्ड बनने के बाद इन कार्ड्स को उसने अरेंज किया, क्या किया, अरेंज किया, जितने भी कार्ड्स बने 63 एलिमेंट्स के हर एक कार्ड सेपरेट कार्ड्स को उन्होंने अरेंज किया था राइट। अरेंज किसमें किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, जिस तरह डोब्रेनियर ट्रायड्स एंड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में भी क्या किया था, सब एलिमेंट्स को अरेंज किया था राइट टू देयर एटॉमिक मासेस इंक्रीजिंग ऑर्डर के साथ। लेकिन इन्होंने कार्ड नहीं बनाया किसी का राइट, लेकिन मेंडलीज ने हर एलिमेंट्स के सेपरेट सेपरेट कार्ड बनाए थे और सेपरेट कार्ड्स को उसने अरेंज किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप थी टुवर्ड्स द क्लासिफाई द ऑल एलिमेंट्स प्रॉपरली राइट। इससे हम बता सकते हैं कि कौन से एलिमेंट्स या कौन सा एलिमेंट और उसकी प्रॉपर्टी क्या है, कैसे है, उसे कैसे अरेंज करना है, जो प्रॉपर्ली हम एक टेबल डिजाइन कर सके। इसलिए उसके बाद उन्होंने अरेंज करने के बाद अच्छे से ऑर्गेनाइज किया राइट, ऑर्गेनाइज्ड किया और ऑर्गेनाइज करने के बाद इनको हेल्प मिली एक पीरियडिक टेबल बनाने के लिए, पीरियडिक टेबल बनाने के लिए। अब पीरियडिक टेबल क्यों बोलते हैं पीरियडिक टेबल, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है राइट, जितनी भी प्रॉपर्टीज थी
एलिमेंट्स की, और क्या हो रही थी, रिपीट हो रही थी, क्या हो रही थी, रिपीट, ओके, रिपीट हो रही थी, प्रॉपर्टी रिपीट हो रही थी, इसलिए राइट उन्होंने ये उनको मिला, फाउंड, ही फाउंड दैट राइट, तो प्रॉपर्टी क्या हो रही, रिपीट हो रही थी, और इनको ऐसे मिला जैसे कि जो एलिमेंट्स थे, जितने भी एलिमेंट्स है यानी कि 63 एलिमेंट्स, इन 63 एलिमेंट्स क्या कर रहे, सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या कर रहे, रिपीट कर रहे, ये पूर्ण प्रॉपर्टीज क्या कर रहे, रिपीट कर रहे आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, पूरे सिमिलर प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है राइट, दैट मीन्स रिपीट, ओके रिपीट हो रहा है राइट, आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम में तो सब प्रॉपर्टी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, इसलिए इन्होंने एक लॉ रखा राइट, सब एक्सपेरिमेंट होने के बाद पूरे प्रॉपर्टी को यानी पूरे सेपरेट कार्ड को अरेंज करने के बाद, ऑर्गेनाइज करने के बाद एक टेबल बनाया, उस टेबल में देखा कि जितनी भी प्रॉपर्टीज है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, ये कुछ डेफिनेट टाइम के बाद राइट ये क्या कर रहे, रिपीट हो रहे, जैसे कि हम पीरियड वन हॉरिजॉन्टली देखते हैं, तो आगे देखेंगे टेबल में क्या होता है राइट, इसने क्या बनाया, एक लॉ बनाया जिसका लॉ का नाम क्या है, मेंडेलीव्स पीरियडिक लॉ, दैट इज मेंडेलीव्स पीरियडिक लॉ राइट, ये उनको पढ़ाई करने के बाद, अरेंज करने के बाद, प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने खुद का एक लॉ बनाया, और लॉ को बोला, लॉ क्या है, ही स्टेट दैट द प्रॉपर्टीज क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट ऑफ एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन मतलब क्या हो रहा है, और जो प्रॉपर्टीज है वो रिपीट हो रही है, इसलिए उसे पीरियडिक फंक्शन बोल रहे हैं, लेकिन पीरियडिक फंक्शन किसके ऊपर, ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ऑफ देयर एटॉमिक मासेस राइट, ये इन्होंने ऐसे लॉ बनाया, ये था उस लॉ का स्टेटमेंट, मेंडेलीव्स पीरियडिक लॉ का स्टेटमेंट राइट, क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ओके, ये उसने लॉ बनाया, उसके हिसाब से इन्होंने ये क्या बनाया, टेबल बनाया था राइट, टेबल में जो टेबल था ओके, टेबल कौन सा, पीरियडिक टेबल, उस पीरियडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम थे राइट, वर्टिकल कॉलम जिसने अरेंज किया था, वर्टिकल कॉलम मतलब ये उभे वाले राइट, इनको क्या बोला था उसने, ग्रुप नाम दिया था, मैंने पहले वीडियो में बोला है मॉडर्न पीरियड टेबल के वर्टिकल कॉलम जो है टोटल 18 कॉलम, हम आगे देखेंगे कैसे कैसे एडजस्टमेंट हुआ, तो राइट, तो ये ग्रुप टोटल ग्रुप बनाए थे उसने 8, हाउ मच, 8 ग्रुप बनाए थे, 5 ये हो गया, 6 ये हो गया, 7 राइट ये हो गया, 8 ओके, ये हो गया वर्टिकली ग्रुप, और जो हॉरिजॉन्टल थे, हॉरिजॉन्टल रो थे, उनको उसने नाम दिया पीरियड्स, हमेशा ध्यान में रखना है, वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स बोलते हो राइट, और हॉरिजॉन्टल रो को पीरियड, कहाँ पे, पीरियडिक टेबल में, मेंडेलीव्स पीरियडिक टेबल में, मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल रोज है ऐसे उभे वाले, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन जिसका मास 1 है, उसके बाद लिथियम जिसका मास 7 है, उसके बाद बेरिलियम जिसका मास 9.4 है,
उसके बाद बोरॉन, जिसके बाद एलियो समथिंग है, राइट। तो आप देख सकते हो पेज नंबर 18 में एक टेबल दिया है जो मेंडेलिस पीरियडिक टेबल है, उसको अच्छे से देखो। वहां पे अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस एलिमेंट्स को अरेंज किया है, राइट। जो वर्टिकली कॉलम्स है उन्हें ग्रुप्स बोलते हैं, ओके। वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल जो रो होते हैं उन्हें पिलर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये था किसका, मेंडेलिस पीरियडिक टेबल। लेकिन मेंडेलिस ने एक बात ध्यान में रखी, जो गलती न्यूलैंड्स ने किया था लॉ ऑफ ऑक्टेव में, राइट, उन्होंने किया था टेबल तो बनाया था लेकिन 7/8 का, तो बाकी के एलिमेंट्स जो न्यू डिस्कवर होने वाले थे इनके लिए कोई स्पेस नहीं था, राइट। लेकिन मेंडेलिस ने क्या किया, जो आने वाले डिस्कवर होने वाले कुछ एलिमेंट्स थे या इन जो कार्ड उन्होंने अरेंज किया था मेंडेलिस ने, बीच में जो प्रॉपर्टी छूट रही थी, ऐसे बीच बीच में जो प्रॉपर्टी छूट रही थी या बहुत बहुत सा बड़ा गैप दिख रहा था, जैसे कि एटॉमिक मासेस में एक जगह 40 होने के बाद डायरेक्ट 70 के पास आसपास जा रहा है, राइट। तो जो एटॉमिक मास का जो डिफरेंस आ रहा था वो बहुत ज्यादा हो रहा था, तो उस टाइम उन्होंने क्या किया, जब एटॉमिक मास का डिफरेंस ज्यादा है तो बीच में उन्होंने कुछ ब्लॉक छोड़ दिए टेबल में, क्यों, क्योंकि उनको ये गारंटी थी कि कोई एलिमेंट ऐसे है जिनका एटॉमिक मास इनके बीच में आ सकता है जो मे बी फ्यूचर में डिस्कवर होंगे, तो ऐसा हुआ, राइट। जो ब्लॉक उन्होंने नीचे इनकी प्लेस एम्प्टी रखा था वहां पे कुछ नए एलिमेंट्स आए, राइट। ये था मॉडर्न पीरियडिक का, यानी कि मॉडर्न नहीं बोल सकते, मेंडेलिस पीरियडिक टेबल जिन्होंने 1869 और 1872 में बनाया था, ओके। ये था मेंडेलिस पीरियडिक टेबल। ब्रीफली डिस्क्रिप्शन, अगर आपको कुछ शॉर्ट नोट्स या कुछ पूछा जाता है क्वेश्चन में मेंडेलिस पीरियडिक के बारे में, ये बता सकते हो उसकी जर्नी कहाँ से हुई, कितने एलिमेंट्स थे, राइट, क्या किया उन्होंने, सेपरेट कार्ड बनाया, राइट, उसके बाद टेबल अरेंज किया, टेबल अरेंज के बाद उनको ऑब्जर्वेशन में मिला, एक लॉ बनाया, राइट, डेफिनेट इंटरवल में वो रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर उन्होंने लॉ बनाया। लॉ क्या बोलता है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। उसके बाद उन्होंने एक टेबल बनाया, टेबल में वर्टिकल कॉलम को ग्रुप बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल रो को पीरियड्स बोलते हैं, ओके। ये थी बेसिक चीजें जो मेंडेलिस ने अपने पीरियडिक टेबल में बताई थी, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, आगे वीडियो में देखेंगे हम जो मेंडेलिस पीरियडिक टेबल है, मेंडेलिस का पीरियडिक टेबल, उसके मेरिट्स मतलब एडवांटेजेस क्या है, क्या है? मतलब उसका फ्यूचर में क्या फायदा हुआ, राइट। उसके बाद उसके लिमिटेशंस भी देखेंगे, डिमेरिट्स भी देखेंगे कि उन्होंने गलती कहाँ पे की वो भी देखेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए हम कुछ कुछ एलिमेंट्स पता चल गए, जैसे कि नोबेल एलिमेंट्स, इनके बारे में मेंडेलिस ने कुछ नहीं बताया था लेकिन बाद में उन्होंने कुछ एडजस्ट किया था टेबल एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, तो आगे हम वीडियो में देखेंगे, ओके। फिलहाल ये चीज़ें आप अच्छे से ध्यान में रखो और प्रिपेयर करो, अंडरस्टूड, ओके, थैंक यू।